नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे सत्ता के स्रोत, सत्ता के प्रकार और सत्ता के स्रोत और सत्ता पालन करने के आधार। सत्ता की अवधारणा की विवेचना सुकरात, प्लेटो, अगस्टाइन आदि के समय से होती रही है, किंतु इसकी विस्तृत विवेचना 20वीं सदी में राजनीतिक और समाजशास्त्रीय विश्लेषण मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। सत्ता एवं औचित्य पूर्णता का पारस्परिक घनिष्ठ संबंध है और मैक्स वेबर ने इस संबंध को दृष्टि में रखते हुए औचित्य पूर्णता के आधार पर सत्ता के स्रोतों एवं प्रकारों का वर्णन किया है। मैक्स वेबर ने सत्ता के तीन प्रकार बताए हैं। जैसे पहला बताया है उसने परंपरागत सत्ता किस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाती है। हम पुरानी परंपराओं को मानते हैं, हम वही सत्ता चली आती है और उसी को आगे बढ़ाते रहते हैं। जब प्रजा या अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा सदैव से होता आया है, तो सत्ता का यह प्रकार परंपरागत कहा जाता है। हम कहते हैं किसी चीज़ को, ये तो सदैव से ऐसी परंपरा चली आई है, तो वह सत्ता का परंपरागत रूप हो जाता है। इस प्रकार परंपरागत सत्ता का अभिप्राय शासन के उस अधिकार से है जो राजनीतिक शक्ति के अनवरत प्रयोग से उभरता है। अधीनस्थ सेवक समझे जाते हैं और वे आज्ञा पालन परंपराओं के प्रतीक विशेष व्यक्ति के कारण करते हैं। जैसे राजतंत्र में राजा, जिस प्रकार राजतंत्र है, राजा का जो काम है परंपरा जैसी चली आती है, वह राजा भी उसी हिसाब से काम करता है। एक होता है सत्ता का बौद्धिक कानून या वैधानिक नौकरशाही सत्ता। जब अधीनस्थ किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि वह नियम उन उच्च अधिकारी अमूर्त नियमों के साथ संबंध है जिसे वे औचित्यपूर्ण समझते हैं, तब इस स्थिति में सत्ता को बौद्धिक कानून माना जाता है। यह सत्ता संवैधानिक नियमों के अंतर्गत धारण किए गए पद से प्राप्त होती है। तो जैसे कानून के अनुसार सत्ता प्राप्त करना, कानून के अनुसार हम जैसे कानूनी सत्ता का मतलब ये रहता है कि जैसे कोई उच्च पद पर भले ही उम्र में छोटा व्यक्ति हो लेकिन उसका पद बड़ा हो, और जो उसके नीचे भले ही उम्र में ज़्यादा उम्र का व्यक्ति बैठा हो और पद उसका यदि कम है, तो वह अधीनस्थ उच्च अधिकारी को पालन करना पड़ेगा उसको। ये वैधानिक सत्ता के माध्यम से रहता है। कानून में सत्ता जिसके साथ रहती है, जिससे प्राप्त होती है, तो वह अपने अधीनस्थ पर आदेश दे सकता है। यह सत्ता संवैधानिक नियमों के अंतर्गत धारण किए गए पद से प्राप्त होती है। इसमें सत्ता का प्रत्ययोजन बौद्धिक आधार पर किया जाता है और कर्मचारिणीगण वैधानिक रूप से स्थापित आदेशों के आधार पर आज्ञा पालन करते हैं। सत्ता का यह रूप आधुनिक नौकरशाही को अपने विशुद्ध रूप में प्रकट करता है। एक सत्ता होती है करिश्मात्मक सत्ता। करिश्मा से जैसे कोई अधिकारी है, वही कुछ उसमें करिश्मा होगा, कुछ उसका विवेक व्यवहार इतना अच्छा होगा कि ऑटोमेटिक जो अधीनस्थ व्यक्ति हैं उसके ऊपर खिंचते चले जाते हैं और उनके आदेशों का पालन करते हैं। जब अधीनस्थ वरिष्ठ सत्ताधारी के आदेशों को इस आधार पर न्याय संगत मानते हैं कि उन पर सत्ताधारी का व्यक्तित्व प्रभाव है, तब इसे करिश्मात्मक सत्ता कहते हैं। किसी का प्रभाव इतना करिश्मात्मक होता है कि व्यक्ति स्वयं ही खिंचा चला जाता है, उसके आदेशों का पालन स्वयं ही करता है। मैक्स वेबर केवल औचित्यपूर्ण सत्ता का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। मैक्स वेबर बतलाता है कि बौद्धिक कानूनी सत्ता कमजोर एवं भंजनशील होती है, अथवा उसे सबलता प्रदान करने के लिए उसे परंपरागत एवं करिश्मावादी सत्ता को शामिल किया जाना चाहिए। अब आता है सत्ता पालन के आधार। हमें सत्ता पालन का आधार क्या है? जैसे सत्ता के प्रसंग में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि व्यक्ति सत्ता का पालन क्यों करते हैं। सत्ता की प्रकृति के संबंध में प्रमुख रूप से प्रतिपादन दो सिद्धांत, औपचारिक सत्ता सिद्धांत और स्वीकृत सत्ता सिद्धांत है। इसमें क्या है कि इसके सत्ता पालन के प्रमुख रूप से चार आधार बतलाए गए हैं। जैसे विश्वास, विश्वास सत्ता पालन का
सबसे प्रमुख आधार है। अधीनस्थ सत्ताधारी के प्रति विश्वास के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। इसी कारण सत्ताधारी के प्रति अधीनस्थों का विश्वास जितना गहरा होता है, सत्ताधारी के आदेशों का पालन उतना ही सरल और स्वाभाविक होता है। मतलब कोई व्यक्ति पर हम विश्वास करते हैं तो जरूर उसके आदेशों का पालन करते रहते हैं विश्वास के आधार पर। लेकिन जब विश्वास की स्थिति को आघात पहुंचता है तो सत्ताधारी के लिए आदेशों का पालन करना उतना ही कठिन हो जाता है, और आदेशों का पालन करवाने के लिए फिर दूसरे दबाव की स्थिति करना पड़ती है। फिर होता है एक रूपता। यह मानव स्वभाव है कि वह उन लोगों के परामर्श, सुझाव और आदेशों को अधिक महत्व देता है जो उनके साथ विचारों और आदर्शों की एक रूपता में रहता है। एक आता है दबाव। दबाव से भी हम अपनी सत्ता पालन करवा सकते हैं। जैसे अनेक बार दबाव और बाध्यकारी शक्ति सत्ता पालन के आधार के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक संगठन और प्रत्येक राज्य व्यवस्था में अल्पसंख्या में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन पर विश्वास एक रूपता का प्रभाव कम पड़ता है और जो दमन और दबाव की भाषा ही समझते हैं। सत्ताधारी का प्रश्न यह होना चाहिए कि सत्ता पालन के प्रमुख आधार के रूप में दबाव को अपनाने की आवश्यकता ना पड़े। इस दृष्टि से आवश्यक है कि सत्ताधारी के आदेशों का औचित्य स्वतः स्पष्ट हो। दबाव के आधार पर भी सत्ता करनी पड़ती है। फिर एक होता है वैधानिकता। प्रत्येक संगठन में एक पद सोपानात्मक व्यवस्था होती है और इस पद सोपान में सत्ताधारी को उच्च स्थिति प्राप्त होने के कारण सत्ता और सत्ताधारी के आदेशों को वैधता प्राप्त हो जाती है। जैसे साइमन का मत है, सत्ता को इस सामान्यता के आधार के कारण स्वीकार किया जाता है कि उच्च प्राधिकारी के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। वैधानिकता का महत्व इस बात से स्पष्ट है कि जब कभी सत्ता के प्रसंग में वैधता का संकट खड़ा हो जाता है तब सत्ता की प्रभावशीलता को गहरा आघात पहुंचता है। तो दोस्तों, मैंने आज सत्ता के बारे में बताया कि सत्ता के आधार क्या हैं, सत्ता के स्रोत क्या हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।